पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने थर्ड टास्क के लिए जाता है टाइप स्टेडियम में, जहां पर वो बैटल करता है 18 टाइप के पोकेमोन ट्रेनर से। सबसे पहले वो बैटल करता है ड्रैगन टाइप पोकेमोन ट्रेनर आयरिस के साथ, जिसको वो ग्रेनिंजा का यूज करके डिफीट कर देता है। फिर वो बैटल करता है बग टाइप ट्रेनर एरन से, जिसको वो काफी इजीली डिफीट कर देता है। अब आता है थर्ड ट्रेनर, जो कि था फ्लिंट। एश फ्लिंट के दो पोकेमोन्स को डिफीट कर चुका था और उसका थर्ड पोकेमोन इन्फर्नेप था, जो कि ब्लेज एबिलिटी में आ गया था। अब आगे फ्लिंट के इन्फर्नेप के ब्लेज एबिलिटी को देखकर एश फ्लिंट से पूछता है कि क्या तुम्हारे इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी डिफरेंट। फ्लिंट बोलता है कि नहीं, सारे इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी बिल्कुल सेम होती है। एश बोलता है पर मेरे इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी काफी डिफरेंट है, जिसमें जाने के बाद उसके सर की आग बढ़ जाती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, साथ में उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फ्लिंट बोलता है कि तो तुम्हारा इन्फर्नेप एक अल्फा इन्फर्नेप हो सकता है। एश बोलता है क्या सच में, मेरे पास ऑलरेडी एक अल्फा इलेक्टिव आ रहा है और अब मेरे पास शायद से एक अल्फा इन्फर्नेप भी आ चुका है, मेरे पास दो काफी ज्यादा रेयर पोकेमोन्स है। फ्लिंट बोलता है कि हाँ, बट अभी हम बैटल पे ध्यान देते हैं। एश बोलता है ठीक है, दोनों ही पोकेमोन्स अपने फुल पावर में थे। फ्लिंट का इन्फर्नेप ब्लेज एबिलिटी में था, वहीं पर एश का ग्रेंजा बॉन्ड इवॉल्व था। दोनों ही पोकेमोन्स में काफी इंटेंस फाइट होती है। ग्रेंजा ऑलरेडी काफी थक चुका था, जिसके चलते इन्फर्नेप भारी पड़ रहा था, बट ग्रेंजा हार मारने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में एश अपने ग्रेंजा को बोलता है जायंट वर्ड शुरिकेन यूज करने। वहीं पर फ्लिंट का इन्फर्नेप अपने फुल पावर से यूज करता है फ्लायर ब्लिट्स का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, जिससे हर तरफ फॉग आ जाता है। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमोन्स हार चुके हैं, यानी कि ये बैटल एक टाई है। फ्लिंट आके एश को कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि मैं मानता हूं कि ये बैटल मैं ही जीता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे एक पोकेमोन को हरा दिया है और इस टाइप स्टेडियम के अंदर एक पोकेमोन का हारना भी तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब तुम्हें बाकी टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमोन से बैटल करके निकालना होगा, जो कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। फ्लिंट एश को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और एश आगे बढ़ता है। रॉक एश से बोलता है कि तुम्हारे ग्रेंजा को नहीं हारना चाहिए था, अब तुम्हें बाकी 5 पोकेमोन को अच्छे तरीके से यूज करना होगा। एश ने ऑलरेडी 3 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था, अब वो फोर्थ एंट्रेंस में जाता है, जहां से निकलता है वाटर टाइप पोकेमोन ट्रेनर। वाटर टाइप ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि वॉलेस होता है, जिससे एश ने ऑलरेडी पोकेमोन जर्नीस में बैटल कर रखी होती है। यह इनका फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन था। वॉलेस बोलता है कि फाइनली हम एक बैटल करने जा रहे हैं और इस बार मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जीतने दूंगा। वॉलेस अपने सबसे पहले पोकेमोन की तरह भेजता है वेलॉर्ड को, ये काफी ज्यादा बड़ा पोकेमोन था। अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एश भेजता है अपने पिकाचू को, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। ये सारे वाटर टाइप पोकेमोन पर सुपर इफेक्टिव होगा। वेलॉर्ड स्टार्ट करता है सर्फ अटैक के साथ। एश अपने पिकाचू को वहीं पर खड़े रहने बोलता है और जैसे उसके ऊपर सर्फ अटैक लगता है, एश अपने पिकाचू को थंडर यूज करने बोल देता है, जिससे एश के पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक की पावर डबल हो जाती है और वेलॉर्ड एक ही अटैक में हार जाता है। ये देखकर वॉलेस काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और भेजता है अपने सेकंड पोकेमोन माइलोटिक को। माइलोटिक के आते ही एश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे माइलोटिक हार जाता है। एश बोलता है कि वॉलेस, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा वीक निकले, तुम्हारा थर्ड पोकेमोन कौन सा होगा? वॉलेस काफी ज्यादा घबरा चुका था, वो अपने थर्ड पोकेमोन की तरह भेजता है गैराडोस को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा गैराडोस में। एश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको गैराडोस हाइपर बीम का यूज करके खत्म कर देता है। मेगा गैराडोस वॉलेस के बाकी पोकेमोन से काफी स्ट्रांग लग रहा होता है। एश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब यूज करने बोलता है, जिसको गैराडोस डॉज करने जाता है, बट वो अटैक गैराडोस पर लग जाता है और वो जमीन पर फंस जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है। अब गैराडोस मूव नहीं कर पाता क्योंकि वो ट्रैप हो चुका था, जिसके चलते ये अटैक गैराडोस पर लग जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। वॉलेस अपने गैराडोस को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, बट वो मूव नहीं कर पाता। वॉलेस काफी शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि गैराडोस अब पैरालाइज हो चुका है, तुम्हारे पास यही मौका है एश। ये सुनकर एश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोल देता है और इसका यूज करके पिकाचू गैराडोस को डिफीट कर देता है, जिससे अब एश ने 4 टाइप के ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। वॉलेस एश को कांग्रेचुलेशन बोलता है और बोलता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, भले ही मैं होइन का चैंपियन रह चुका हूं, बट तुम्हारे आगे मैं अभी भी सीख रहा हूं। एश को यह सुनकर काफी अच्छा लगता है और वो जाता है 5वें एंट्रेंस में, जहां से निकलता है नॉर्मल टाइप पोकेमोन ट्रेनर, जो कि और कोई नहीं मे के फादर नॉर्मन थे। एश ने जब पिछली बार नॉर्मन से फाइट किया था तो उसको काफी डिफिकल्टी हुई थी वो बैटल जीतने में, बट इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। नॉर्मन बोलता है कि तुम्हें इतने टाइम बाद देखकर काफी अच्छा लगा और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि मैं तुमसे यहां पर मिल रहा हूं, यानी कि तुम पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो। नॉर्मन बोलता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मुझे पता चला था कि तुम होइन लीग हारे हो, बट लीग हारने से लेकर अब
पोकेमोन मास्टर बनने तक आ चुके हो, जो कि एक काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है। बट उसके लिए तुम्हें हमें हराना होगा। नॉर्मन अपने सबसे पहले पोकेमोन की तरह भेजता है विगोरोथ को। एश ब्रॉक से पूछता है कि नॉर्मल टाइप पोकेमोन के सामने मैं कौन से पोकेमोन का यूज करूं। ब्रॉक बोलता है कि नॉर्मल टाइप सिर्फ एक ही टाइपिंग से वीक है, जो कि है फाइटिंग टाइप, और करेंटली तुम्हारे पोकेमोन टीम में कोई भी फाइटिंग टाइप पोकेमोन नहीं है। एश बोलता है कि तो क्या मैं कौन सा भी पोकेमोन यूज कर लूं। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, तुम्हारा म्यूटू मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा म्यूटू एक्स में, जिसमें जाने के बाद वो बन जाता है एक साइकिक और फाइटिंग टाइप पोकेमोन, तो तुम उसे यूज कर सकते हो। ब्रॉक की बात मानकर एश अपने म्यूटू को बाहर निकाल देता है, जो कि एक शाइनी म्यूटू था। नॉर्मन इसको देखकर काफी शॉक रह जाता है। नॉर्मन बोलता है कि जब मैं तुमसे पिछली बार मिला था तो तुम्हारे पास अनइवॉल्व पोकेमोन थे, जो कि नॉन लेजेंडरी थे, बट अब मैं देख सकता हूँ कि तुम कैसे इंप्रूव हुए हो। एश अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है ऑरा स्फीयर अटैक का, जिसको विगोरोथ डॉज कर लेता है। फिर वो यूज करता है स्लैश अटैक का, जिसका म्यूटू पे कोई भी डैमेज नहीं होता, और म्यूटू दोबारा से ऑरा स्फीयर का यूज करता है। इस बार यह अटैक विगोरोथ पर लग जाता है और इससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और विगोरोथ हार जाता है। नॉर्मन अपने विगोरोथ को वापस बुलाता है और अपने सेकंड पोकेमोन की तरह भेजता है स्लेकोथ को। ब्रॉक बोलता है कि नॉर्मन तो पिछले टाइम की तरह बिल्कुल सेम पोकेमोन टीम यूज कर रहा है। एश बोलता है कि हाँ, और बिल्कुल पिछले बार की तरह इस बार भी मैं जीतने वाला हूँ। स्लेकोथ यूज करता है थ्रैश अटैक का, ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, बट म्यूटू बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक देता है और यूज करता है ऑरा स्फीयर का, जिसको स्लेकोथ डॉज कर लेता है। पर तभी मेगा म्यूटू एक्स एक और ऑरा स्फीयर का यूज कर देता है और इस बार यह अटैक स्लेकोथ पर लग जाता है, जिससे स्लेकोथ काफी ज्यादा इजीली हार जाता है। नॉर्मन बोलता है कि अब मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आने वाला है। वो अपने थर्ड पोकेमोन की तरह भेजता है स्लेकिंग को। ब्रॉक बोलता है कि इसको हराना काफी टफ होने वाला है, क्योंकि इसके बेस स्टैट टोटल 670 है, जो कि स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमोन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स कम है। ये काफी स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमोन है। स्लेकिंग सोरा होता है, जिसका फायदा उठाते हुए एश अपने मेगा म्यूटू एक्स को ऑरा स्फीयर यूज करने बोलता है, जो कि स्लेकिंग पर लग जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है। स्लेकिंग को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था, वो उठ जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सबसे पहले वो यूज करता है स्लैक ऑफ अटैक का, जिससे उसका डैमेज रिकवर हो जाता है। फिर वो हैमर आर्म का यूज करता है, को मेगा म्यूटू एक्स काफी ज्यादा इजीली डॉच कर लेता है। स्लेकिंग की स्पीड काफी कम थी। मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है साइकिक अटैक का, जिसको स्लेकिंग डॉच कर लेता है। फिर वो यूज करता है थ्रैश अटैक का, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, और इस बार ये मेगा म्यूटू एक्स पर लग जाता है। मेगा म्यूटू एक्स को डैमेज पड़ता है और इसके बदले में म्यूटू यूज करता है साइको कट अटैक का, जिसका स्लेकिंग पर डैमेज पड़ता है। स्लेकिंग वापस से थ्रैश अटैक का यूज करता है, बट इस बार मेगा म्यूटू एक्स इसको डॉज कर लेता है और स्लेकिंग कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक बार थ्रैश अटैक को यूज करने के बाद एक पोकेमोन लगातार उसी अटैक को यूज करते रहता है, जब तक वो कंफ्यूज ना हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही स्लेकिंग के साथ हुआ। नॉर्मन अपने स्लेकिंग को यूज करने बोलता है हैमर आर्म अटैक, जो कि वो खुद पर ही मार लेता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। फिर मेगा म्यूटू एक्स ऑरा स्फीयर का यूज करके इस बैटल को खत्म कर देता है। यानी कि अब एश ने टोटल 5 टाइप के पोकेमोन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया था। एश काफी ज्यादा खुश होता है और वो मेगा म्यूटू एक्स को गले लगा लेता है, जो कि अब बेस फॉर्म में आ गया था। नॉर्मन एश से हाथ मिलाता है और वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो, मेरे अकॉर्डिंग तुम डेफिनेटली पोकेमोन मास्टर बनने वाले हो, अब आगे के पोकेमोन ट्रेनर्स से संभल के बैटल करना। एश नॉर्मन को थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ता है।